पटना में काफ़ी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने और सुनने के लिए देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ होटल के बाहर जमा है। इसी होटल में बाबा रुके हुए और लोग सुबह से 5 बजे भोर से यहाँ आते हैं, जबकि वो 1 बजे यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है, लोग यहाँ पे जमे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि बाबा के एक झलक हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो गाड़ी से निकलते हैं, कारकेट उनका निकलता है और उसके बाद जाते हैं। देखिए कुछ लोगों से, आप कहाँ से हैं? कहाँ से आएंगे ना बाबा? हम लोग नवादा बिहार से। देखने आए बाबा को, दर्शन हुआ? नहीं अभी तो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ अभी तक दर्शन? हम नवादा से आए हैं, बिहार नवादा। हम लोग सब नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। कितने लोग हैं पूरा फैमिली? हम लोग 5-6 हैं, सब सिस्टर सब है। दर्शन हुआ बाबा का? अभी तक तो नहीं हुआ है, बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं। 4 दिन से आए, अर्जी तो नहीं लगाए, बस उनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। लोग वहाँ भी गए थे, वहाँ भी दर्शन नहीं हो पाया। हाँ, कथा स्थल पर ये भी गई थी, बेहोश भी हो गई थी बच्चा। तो यहाँ बाबा को निकलने के लिए देखने की आपकी इच्छा है? हाँ, बस हाँ, बाबा का दर्शन का इच्छा, एक झलक लेने बाबा का दर्शन का इच्छा हम लोगों को है, बाबा का दर्शन करना है बस। और किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे वो लगातार यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, ताकि जो है कितने बजे बोर्ड से आई है? 7 बजे से। 7 बजे हम विकलांग हैं। अर्जी लेके आई हुई है? हाँ। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ, हम लोगों का मन है हिंदू राष्ट्र बने, बाबा का प्रयत्न सफल हो, बाबा बागेश्वर नाथ जिंदाबाद, बजरंग बली जिंदाबाद, बागेश्वर धाम। यहाँ पे देखेंगे जो लोग हैं यहाँ पे, तमाम जो यहाँ पे हैं, और इस तरीके से जो, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो होती हैं यहाँ पे। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे बैठे, कब से आई हैं, कब से बैठी हुई हैं? बाबा हम तो सुबह से बैठे हुए हैं। हाँ, दर्शन करने के लिए हम लोग बेगूसराय से आए हैं। हाँ, 13 तारीख से हम लोग परेशान हैं उनको देखने के लिए। वहाँ 2 दिन गए, वहाँ से बोले अर्जी नहीं लगे तो हम लोग चले आए। फिर आज सवेरे से आए हैं, आज सवेरे से आए हैं, आज थोड़ा दर्शन कर लेंगे चले जाएंगे बस। सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से इस दोपहरिया में यहाँ बैठे हुए रहते हैं, और सबकी एक ही आस है कि एक बार बाबा का यहाँ पे दर्शन हो जाए। कैमरा सनी के साथ अमिताभ झा, पटना, न्यूज़ 24।